अमेठी जनपद के तिलोई में बर्तन व्यापारी के साथ देर शाम तीन दबंगों ने की मारपीट। पीड़ित ने मोहनगंज पुलिस से की लिखित में शिकायत। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के लालगंज चौराहे से बर्तन व्यापारी मनोज कुमार को दबंगों ने जमकर पीटा। पीड़ित ने स्थानीय थाना मोहनगंज कोतवाली में की शिकायत। क्या नाम भैया आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या घटना हुई थी? जी, मैं ग्राम सभा तिलोई का निवासी हूँ और मेरी बर्तन और सराफे की दुकान है। हाँ। जिसके काम से मैं रायबरेली गया था और कार्य ख़त्म करके मैं अपने घर फुर्सतगंज पीढ़ी होते हुए अपनी कार से आ रहा था। तो रास्ते में हमको जो है अपनी कार के पीछे दूसरी कार दिखाई पड़ी जो गलत तरीके से ओवरटेक करना चाहती थी, बार बार हॉर्न प्रेस कर रही थी। उसको हम अकेले होने के नाते डर गए और संदिग्ध परिस्थितियों में वहाँ से कार की रफ्तार तेज करते हुए लालगंज में दिनेश सोनी के दरवाजे पे अपनी कार रोक कर उतरे। पीछे से धर्मे निवासी कपिल सिंह और उनके तीन साथी उतरे कार से और गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। मेरे पास 20,000 रुपये जेब में पड़े हुए थे, वो भी किसी जगह गिर गए। इसकी सूचना कहीं दी आपने? जी, हमने मोहन कोतवाली में इसकी सूचना दी है। कह दिया? जी हाँ। तो क्या बोले वहाँ? वहाँ पे बताया गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। आपका मेडिकल हो रहा है? मेडिकल करवाने के लिए भेजा गया है। अच्छा, ठीक है।